365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब अपाचे आसमान में उड़ान भरता है तो पलक झपकते दुश्मनों के खेमे में पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर में 30 मिलीलीटर की लगी दो गन से जब गोलियों की बौछार होती है तो दुश्मन के कैंप में हड़कंप मच जाता है। अपाचे दुश्मनों पर कहर बनकर दिन में टूट पड़ती है तो रात में भी ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के अंजाम देती है। अपाची की सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और रडार की पकड़ में न आने की क्षमता ने इसे और घातक और विध्वंसक बना दिया है। पाकिस्तान में घुसकर आतंक के सरगना ओसामा बिन लादेन का काम तमाम करने वाले घातक अपाचे हेलीकॉप्टर अब हिंदुस्तान की ताकत बन चुका है। रूस के बने MI-35 हेलीकॉप्टर की जगह अब अपाचे हिंदुस्तान के सरहदों की निगहबानी करेगा, दुश्मनों पर कहर बरपाएगा और आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। अपाचे की ताकत का लोहा दुश्मनों ने भी माना है। अपाचे ने ही पाकिस्तान में घुसकर आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन का काम तमाम किया था। अफगानिस्तान और इराक में भी अपाचे ने आतंकियों के खेमे में खलबली मचाई थी। अब हिंदुस्तान की सरहद में छुपे आतंकियों पर कहर बनकर टूटेगा अपाचे। अपाचे क्यों खतरनाक है, क्यों दुश्मनों का काल है, उसकी वजह है अपाचे की ये खूबियां। अपाचे मल्टी रोलर फाइटर हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलों से लैस है। 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसमें हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगा होता है जो जमीन पर किसी भी निशाने को तबाह कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता, नाइट विजन सिस्टम की मदद से रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। अपाची सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे इस हेलीकॉप्टर को दुश्मनों का रडार भी आसानी से पकड़ नहीं पाता। अपाचे बिना ज्यादा आवाज किए दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसने और कहर बरपा कर तेजी से वापस निकलने की क्षमता रखता है। जाहिर है भारतीय वायु सेना का ये बेहद अहम हथियार होगा। 365 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता, 30 मिलीमीटर की दो गन से लैस, 1200 गोलियां भरी जाती हैं एक बार में। ये बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमले में सक्षम होने की वजह से अपाचे का इस्तेमाल उत्तर पूर्व की पहाड़ी इलाकों में भी किया जा सकेगा। अपाचे इस्तेमाल करने वाला भारत 14वां देश है जिसने अपनी वायु सेना के लिए इस हेलीकॉप्टर को चुना है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, इजराइल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, जापान और मिस्र की वायुसेना भी इनका इस्तेमाल करती है। बोइंग ने पूरी दुनिया में 2200 से अधिक अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है और अब भारत अपाचे का नया खरीदार बना है। 4 अपाचे हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। अगले हफ्ते 4 और अपाचे के आने की बात कही जा रही है और 2020 तक सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। यानी दुश्मन के 22 कार अब हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। We'll be right back.